जलील साहब ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि ये एक्सीडेंट में मौत नहीं है तो ये मर्डर है। सर क्या सोच के आपने? देखिए, क्या सरकार अंधी है? सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है या सरकार देख नहीं रही है कि हर रोज़ हज़ारों मजदूर महाराष्ट्र से मजबूर होकर अपने अपने राज्यों की तरफ पैदल निकल रहे हैं। इस तपती धूप के अंदर छोटे छोटे बच्चों को लेकर, बुज़ुर्ग लोग, नौजवान लड़के, ये लोग या तो साइकिल के ऊपर 1400, 1500, 1600 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए ये लोग पैदल इस वजह से निकल रहे हैं कि इन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। मैंने खुद ने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, रेलवे मिनिस्टर, रेलवे डिपार्टमेंट, इनको सबको ट्वीट के जरिए बार बार ये बताया था कि कई यहाँ पर फंसे हुए हैं करके। इसके बावजूद अगर ये घटना होती है, ये एक्सीडेंट होता है, तो ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। और इस हत्या के पीछे रेलवे डिपार्टमेंट के ऊपर हत्या का केस रजिस्टर होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के ऊपर है तो रजिस्टर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिविल एविएशन मिनिस्टर ये प्लानिंग कर सकते हैं कि 7 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में इतने हज़ार हम मुसाफिरों को विदेशों से हम यहाँ पर हवाई जहाज़ के जरिए लेकर आएंगे, तो इन गरीबों को सड़कों के ऊपर क्यों छोड़ा गया है? मरने के लिए ही छोड़ा गया ना, कि मरने के बाद क्या होगा? इनकी कीमत लगा दी गई है। शिवराज सिंह चौहान साहब ने 5 लाख रुपये का घोषणा की है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपये की कंपनसेशन की घोषणा की है, यानी कि इनकी मौत की कीमत 5-5 लाख रुपये रहेगी। तुम मरो, हम तुमको 5-5 लाख रुपये देंगे करके। अब होगा यही कि रेलवे मिनिस्टर प्रधानमंत्री है तो कुछ दुख जताएंगे कि मुझे बहुत अफसोस हुआ है करके, रेलवे मिनिस्टर कहेगा कि मैं एक इंक्वायरी करवा रहा हूँ, और उसी इंक्वायरी का नतीजा है ये जितने अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, ये सबके ऊपर हत्या का केस रजिस्टर होना चाहिए। ये गरीबों को आज भी आप देखें, अगर आप रोड के ऊपर जाइए तो कितने 100 मजदूर आपको अभी भी रास्ते के ऊपर मिलेंगे जो रोड के ऊपर निकले हैं सिर्फ इस उम्मीद के ऊपर कि हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई सहारा मिल जाएगा करके। और ये भी जो मजदूर निकले थे इस उम्मीद के ऊपर निकले थे कि कम से कम हमें औरंगाबाद से जो ट्रेन जाने वाली थी जबलपुर, वो ट्रेन के अंदर हमको जगह मिल जाएगी करके इसमें। लेकिन क्या ये सरकार को दिख नहीं रहा है? हर रोज़ आप लोग ही दिखा रहे हैं, आपके चैनल के ऊपर ही दिखाया जा रहा है कि कैसे ये गरीब लोग सड़कों के ऊपर इतनी तपती धूप के अंदर 1400, 1500, 1600 किलोमीटर का सफ़र के तय करने के लिए निकले हुए हैं। तो मेरे हिसाब से मैं ये मानकर चलता हूँ कि ये एक्सीडेंट नहीं है, इसके ऊपर हत्या का केस रजिस्टर होना चाहिए। और तमाम दोषी लोग हैं जो इसको नज़रअंदाज कर रहे थे, जो विदेशों के अंदर रहने वाले हैं, वो पैसे वाले लोग हैं, तो उनको हवाई जहाज से लाने के लिए पूरी प्लानिंग की जा रही है कि कितने फ्लाइट्स कहाँ से ऑपरेट हो गए करके। क्या ये अंधे हैं? इन्हें दिखता नहीं था कि इतने सारे मजदूर हैं, इन्हें रेलवे ऑपरेट करना चाहिए था? क्या जिला प्रशासन, सरकार ने क्या किया है? सिद्धार्थ साहब, सरकार ने ये किया था कि एक नोटिफिकेशन जारी किया और ये कहा कि इस ईमेल आईडी के ऊपर जितने भी मजदूर जाना चाहते हैं वो उस ईमेल आईडी के ऊपर है, तो आप अपना डिटेल्स अपलोड करिएगा, आपका आधार कार्ड अपलोड करिएगा, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा। ये मजदूर जिनके पास ना स्मार्टफोन्स है, जिन्हें ना कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, ये मजदूर लोग ऑपरेट करे होते ऑनलाइन करके, कोई डॉक्टर है तो इन्हें सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं था। और ऐसी हालत के अंदर आप कहते हैं कि नहीं, आपको अगर ट्रेन से जाना है, आपको सफ़र करना है, तो आप जाइए ऑनलाइन के ऊपर अप्लाई करिएगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा उस पर। कोई डॉक्टर जब करने के लिए तैयार नहीं था। और आखिरकार 3 दिनों तक आप देखे हैं कि हर जगह के ऊपर इतनी भीड़ लगी हुई है कि डॉक्टर्स का कहीं से सर्टिफिकेट मिल जाए, और कल दोपहर में जाकर सरकार चेंज कर देती है, नहीं हमको डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब आप जाइए रेलवे स्टेशन के ऊपर जाइए और आपको है तो सिर्फ डॉक्टर है तो आपका थर्मामीटर से चेक करेगा। तो ये रोज़ रोज़ के जो कानून बदले जा रहे थे, ये जानते हुए, ये अच्छी तरह से समझते थे कि ये लोग मरने वाले हैं। वायरस से नहीं मरेंगे, कोरोना वायरस से नहीं मरेंगे तो भूखमरी से मरेंगे, भूखमरी से नहीं मरेंगे तो इस तरह रेल के पटरियों के नीचे आकर मरेंगे या सड़कों के ऊपर तपती धूप के अंदर मरेंगे, ये सब अच्छी तरह से जाहिर है कि इन लोगों के पास में सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने कम से कम, महाराष्ट्र जो है वो हमारी संस्कृति नहीं है इस तरह से गरीबों को इस तरह से हम लोग जो उनकी पीड़ा देखते हुए हम नजरअंदाज करें करके। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि कम से कम बसेस लगाए, महाराष्ट्र के बॉर्डर तक उन्हें बसेस तक पहुंचाया जाए। आप जानते हैं अच्छी तरह से
मैंने खुद ने कितने लोगों को ऐसा देखा है कि जो बसें साइकिल के ऊपर नौजवान लड़के निकल पड़े हैं कि नहीं साहब अब हम रह नहीं सकते हैं, और किस बात के लिए कि उनको दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। कम से कम हम अपने घर जाएंगे, अपने घर में जाकर हम अपने परिवार के बीच में अगर हम मर गए तो चलेगा, लेकिन हमें यहाँ नहीं रहना है। और कितने दिन हो गए हैं, कोई दो दिन चार दिन का अगर होता तो हमको भी समझ में आ गया होता, लेकिन अगर डेढ़ महीने के ऊपर हो गया है और ये प्रशासन पूरी तरह से अगर इस तरह से इंतज़ार कर रहा था कि कितनी मौतें होगी करके, प्रधानमंत्री का बयान सुनिएगा, अफसोस हुआ है। प्रधानमंत्री को क्या दिखता नहीं है? प्रधानमंत्री टीवी देखते नहीं है क्या? ट्वीट पढ़ते नहीं है क्या? उनको पता नहीं है कि इतने सारे मजदूर जो रोड के ऊपर निकले हुए हैं उनकी हालत क्या है करके? अभी मैं आ रहा था, एक आदमी छोटे से बच्चे को, दो साल के बच्चे को लेकर है तो कितनी दूर से निकला हुआ है, 150 किलोमीटर का सफर किया है। आप निकलिए, आपको खुद मिलेंगे वो लोग यहाँ पर भी। सर, इसमें बात ये है कि ये लोग जो है एक स्टील कंपनी में काम करते थे, जाना थे तो उस कंपनी की भी जिम्मेदारी बनती थी कि उनको खाना पानी मुहैया करें। देखिए, सरकार ने तो एक कागज़ निकाल दिया, कागज़ के टुकड़े के ऊपर लिख दिया है उसके ऊपर कि किसी की भी पगार काटनी नहीं चाहिए, किसी को नौकरी के ऊपर से निकालना नहीं चाहिए, लेकिन क्या लेबर डिपार्टमेंट ने ये चेक किया है कि इन लोगों को इनकी पगार मिल रही थी, इन लोगों को नौकरी से रखा गया है या नौकरी से निकाला गया है? आज औरंगाबाद और जालना अगर देखा जाए तो ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है, लेकिन यहाँ पर कितने सारे मजदूरों को कहा गया है कि अब आप जाइए घर के ऊपर, अब वो जाएंगे तो जाएं कैसा? सरकार ने ये तो कह दिया है कि हम आपको ट्रैवल पास दे देंगे, अब ट्रैवल पास देने के बाद कैसा जाएंगे आप मुझे ये बताइएगा। सरकार के या प्रशासन की तरफ से क्या इंतज़ाम किया गया है? हम तो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। अगर औरंगाबाद से किसी को नागपुर जाना है जो महाराष्ट्रियन बंदा है, अगर किसी को नांदेड़ जाना है, किसी को उस्मानाबाद जाने का है, मुंबई जाने का है, तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है ये हम प्रशासन से सवाल करना चाहते हैं। कोई प्रावधान किया गया है? कोई इंतज़ाम किया गया है? नहीं, हम आपको सिर्फ पास दे रहे हैं, आप अपना करिएगा। अरे, जिस आदमी के पास दो वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, अगर आप उसको इस तरह से कागज़ का टुकड़ा दे देंगे और कहेंगे कि नहीं अब हमने पास दे दिए हैं, अब तुम तुम्हारा इंतज़ाम कर लो करके, तो मेरे हिसाब से ये एक खेल है, खिलवाड़ है, सिर्फ गरीब लोग हैं, उनकी मौत के ऊपर क्या अफसोस करने का? उसमें 5 लाख रुपये दे दिए, मरने के बाद उसमें और भी मरेंगे, 10-20 लोग मरेंगे तो 5-5 लाख रुपये मिल जाएंगे उसके अंदर, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। एक इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के अंदर क्या होगा? मैं पीयूष गोयल साहब से पूछना चाहता हूँ, पीयूष गोयल साहब इतने नादान नहीं है जनता कि अब आप इंक्वायरी करेंगे? क्या निकलने वाला है इंक्वायरी के अंदर? ये लोग सड़क से इसलिए नहीं जा सकते थे कि इनको जालना की बॉर्डर के ऊपर रोका गया होगा, इनको करमाड़ की बॉर्डर के ऊपर रोका गया होगा कि तुम कहाँ जा रहे हैं करके, ये पुलिस वाले इन्हें परेशान कर रहे थे तो चोर रास्तों से जा रहे थे कि हम रेलवे ट्रैक के ऊपर से चले जाए करके। और यहाँ पर ये जो मौत का तांडव जो हुआ है, इसके लिए पूरा रेलवे डिपार्टमेंट भी उतना ही जिम्मेदार है जितना जिला प्रशासन है, और उतना ही प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जिम्मेदार है, जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन इस हत्या के दोषी अगर है तो ये पूरे लोग हैं निश्चित रूप से। यहाँ पर